ऑल द हस्बैंड्स जो ये शो देख रहे हैं और जिनकी पत्नियां उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, देखिए ये आसान काम नहीं है बिना खाए पिए पूरे दिन अपने पति की सलामती की दुआ मांगना। तो ऐसे में उन्हें खूबसूरत सा गिफ्ट दीजिए और यकीन मानिए एकदम उनका मूड बन जाएगा। वैसे लगता है कि गिफ्ट देने के मूड में तो कार्तिक भी थे। माना कि हैवी कोर्ट रूम ड्रामा के बीच में एन मौके पर इन्होंने ट्विस्ट ला दिया, लेकिन ये ट्विस्ट बहुत ही खूबसूरत था। आप एक अच्छी माँ और एक बीवी होना तो दूर, आप एक अच्छी इंसान भी नहीं है मिस नायरा सिंगानिया। You don't deserve to be called a good। Shut up, just shut up। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नायरा के बारे में कुछ कहने की? इस दुनिया में किसी को भी हक नहीं है कि माँ के अच्छे बुरे होने पे उंगली उठाए उसमें सवाल किए। मैं कोर्ट का आप सभी का वक्त बर्बाद करने के लिए अपने परिवार वालों परेशान करने के लिए और सबसे ज्यादा मेरी कोर्ट में तमाम दलीलों के बाद नायरा कार्तिक के बीच समझौता हो गया। 5 साल तक नायरा और कार्तिक एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच दूरी कभी नहीं आई। इस बात का एहसास उन्हें कोर्ट की इस चार दीवारी में हुआ, इसीलिए तो देखिए जज और वकील को एक साइड छोड़कर वो दोनों खुद ही आपस में बातें कर रहे हैं। नायरा ने अपनी बात कही तो वहीं कार्तिक ने अपनी बात रखी। इन दोनों की बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि कार्तिक ने खुद ही कायरव की कस्टडी नायरा को देने का फैसला ले लिया। और रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बच्चे कायरव। और ये सच अपनी जगह है कि नायरा एक बहुत अच्छी इंसान है। आज बहुत बहुत बड़ा खुशी का दिन है सिंघानिया फैमिली के लिए, क्योंकि ये सारा टॉर्चर जो चल रहा था हम सब पर फाइनली ख़त्म हो गया है। कार्तिक और नायरा दोनों के बीच में सुलझाव हो गया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि कार्तिक इतना बड़ा कदम उठाएगा और ऐसी कोई हरकत करेगा जिसकी वजह से ये सारा मैटर इतनी जल्दी सॉल्व हो सकता था, ये तो हमने नहीं सोचा था। तो आज हम सब बहुत खुश हैं, नायरा खुश है, कायरव अब हमारे साथ है और बस उम्मीद करते हैं कि हम सब साथ साथ मिलकर रहें आगे। अब एक दिन में इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे ये काया पलट हुई? खैर अब जो हुआ सो हुआ, उससे क्या लेना देना है। बात तो अच्छी ये है कि नायरा और कार्तिक दोनों समझ गए एक दूसरे को। अब देखना जल्द से जल्द कायरव की वजह से ही ये दोनों एक बार फिर से मिलेंगे और एक छत के नीचे रहने लग जाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP News Report। ये है ABP News, आपको रखे आगे।